गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों आप सब कैसे हो यार? आई रियली होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नई जर्नी अपनी, एक नई सीरीज़। आज हम फाइनली जा रहे हैं दोस्तों गुजरात। तो हमारे अब जो नेक्स्ट व्लॉग्स होने वाले हैं सारे गुजरात के ऊपर होंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर पाए। एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है यार, हर बार छुट्टी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, तो इसलिए हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर करा पाएं। टाइम हो चुका है, ये लगभग 4:15 बज गए हैं सुबह। तो अब चलते हैं, गाड़ी में रखते हैं सामान और निकलते हैं गुजरात की तरफ। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि यार हम लोग रुकेंगे आज अहमदाबाद। एक्चुअली अहमदाबाद में मेरा कज़न है, तो आज निकल रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं बस। एक्चुअली पापा को भी जाना था बट कुछ काम आ गया तो वो नहीं जा रहे हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि हम कंटिन्यू अहमदाबाद पहुँचे रात तक, बट फिर भी अगर कहीं स्टे लेना पड़ा इन केस थकान लगी या भाई नहीं पहुँच पाए तो एक स्टे ले लेंगे। अदरवाइज कोशिश यही रहेगी कि आज डायरेक्टली अहमदाबाद जाते हैं। आज करते दिल्ली टू अहमदाबाद बाय रोड, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी गूगल तो अपना बता रहा है भाई 16-17 घंटे का रास्ता, और एक्चुअल क्या लगता है वो भी निकलते हैं और फिर आपको भी बताते हैं। You're rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. तो गाइज एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग यार, सनराइज हो गया है और हमें यार अभी ये मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और बहुत ही मस्त रोड है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपनी ब्लैक बीस्ट खड़ी है और मम्मी हमारे साथ हैं। तो अभी यहाँ रुके थे यार, थोड़ा सा कंटिन्यू चल रहे हैं सुबह से, करीबन हो चुके हैं हमें 2.5 से 3 घंटे हो गए चलते हुए, 150-200 किलोमीटर आ चुके हैं हम घर से। वर्थ है यार यहाँ आना एक्सप्रेसवे पे, मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बना है। तो भाइयों अभी रुके थे यहाँ पे हम, एक्चुअली थोड़ा फ्रेश व्रेश होना था तो यहाँ बना रखे हैं इन्होंने, मतलब फूड कोर्ट टाइप। और देख सकते हो आप जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर आप सबने देखा होगा ये फूड कोर्ट वगैरह है, बट ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये सामने पेट्रोल पंप है। यार यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया चीज़ मिली है भाई, मस्त। यहाँ पे तो वॉशरूम में भी सेल्फ सर्विस थी। एक्चुअली क्या था, वॉशरूम में पानी नहीं है, आपको अगर फ्रेश हो रहा है तो अपना पानी की बोतल खुद ही कैरी करके ले जानी पड़ेगी। ठीक था अभी। एक्चुअली अभी ना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ये एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट यार फिर भी गवर्नमेंट इतना टोल लेती है। टोल तो आप day 1 से ही लेना शुरू कर देते हो, तो एटलीस्ट ये बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं तो देनी चाहिए आपको। अच्छा खासा टोल पे करता है कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे बंदा, तो बेसिक नीड्स जो हैं सर्विसेज हैं तो होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे, जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपना। तो भाई GPS से आ रहे थे और इस बार फिर GPS ने कहीं घुमा दिया। एक्चुअली रास्ता थोड़ा सा क्लोज था जिस रोड से हम जा रहे थे, तो ये कहीं राजस्थान में भिलवाड़ा के आसपास है हम, और ये रास्ता फिर से कच्चे में से उतार दिया इसने। पहाड़ों में गए थे यार जब भी, कहीं घुमा दिया था और अब फिर दोबारा। और कमाल की बात है देखो GPS में कुछ लोकेशन ही नहीं आ रही इस टाइम, पता नहीं। अब देखते हैं गाड़ियां जा रही है आगे कहाँ निकलेंगे। अभी एक एडवेंचर ही हो गया, बढ़िया डेजर्ट सफारी हो गई हमारी एक। फाइनली गाइस हम लोग उदयपुर आ चुके हैं यार, ये उदयपुर सिटी है पूरी। ये देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, धूप है हालांकि लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, शीशा डाउन करके चल पा रही है गाड़ी। ये सारा उदयपुर सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ये। अभी देखते हैं, फिलहाल लंच करने का मूड है उदयपुर में, लंच करते हैं। तो गाइज ये होटल है, एक्चुअली रेस्टोरेंट था ये उदयपुर में, पधारो सा। तो यहाँ हमने खाई है रजवाड़ी थाल, ये आप देख रहे होगे लिखा है, फेमस है ये। तो अभी कर लिया लंच भाई और अब निकल रहे हैं आगे, पहुँचते हैं आगे। एक्चुअली हमें
टाइम थोड़ा सा लग गया यहाँ, लगभग आधा पौना घंटा हमने लगा दिया आराम से, और आई थिंक ये जरूरी भी था, काफी देर से चल रहे हम और भूख काफी लग रही थी। बाकी खाना बहुत अच्छा था यार। कभी आप उदयपुर आओ तो रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल मेन रोड पे ही है इनका रेस्टोरेंट पथारो सा, काफी अच्छा था फूड, और चार पांच तरह की सब्जी थी, और इन्होंने रोटी सबसे अच्छी बात थी तवा रोटी मिल गई थी यहाँ पे, मेरे को ज्यादातर वही चाहिए होती है बाहर, तो तवा रोटी थी। और उसके बाद एक जो बहुत बढ़िया लगा मुझे वो था आमरस, लास्ट में इन्होंने एक आमरस दिया खाने के साथ ही, और बहुत ही बढ़िया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में लास्ट, तो वो पूरी थाली कंप्लीट थी, और उसका प्राइस भी नॉमिनल था, 300 की थाली थी वो, उसमें आप अनलिमिटेड कुछ भी ले सकते कितनी भी बार। तो चलते हैं गाइस आगे और करते अपनी जर्नी को कंटिन्यू। आपको कैसा लगा मम्मी खाना? बहुत बढ़िया। मम्मी ने तो हालांकि जैन थाली ली थी, उसमें एक्चुअली प्याज लहसुन ज्यादा था सब्जियों में, तो मम्मी खाती नहीं है, तो इन्होंने जैन थाली ली थी, उसमें सिर्फ दाल थी और मतलब रोटी। तो आपको ठीक लगा था खाना? हाँ, खाना चलो हमारी तरफ से भाई, कभी आप लोग आओ तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, उदयपुर में आप यहाँ खाना खा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. हम लोग गुजरात में एंटर कर चुके हैं, वेलकम टू गुजरात, हमारे मोदी जी की स्टेट है, और यार यहाँ की भी रोड्स अल्टीमेट है, और व्यू देखो आप, एक एक व्यू दिखाता हूँ आपको, नजारे अल्टीमेट है आगे यार, ये देखो एक बार लो दोस्तों। तो दोस्तों ये था गुजरात का नजारा, और हमेशा की तरह आज भी भगवान जी साथ दे रहे हैं हमारा, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और लगभग ऐसे ही लग रहा है कि बारिश ना आ जाए, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है यहाँ अब, हालांकि हमने एसी चला रखा है गाड़ी में, बट फिर भी मौसम अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा। आई थिंक हमें अभी यहाँ से 90 किलोमीटर की जर्नी और रहेगी हमारी, और करीबन करीबन 2 घंटे GPS पे दिखा रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं गुजरात, और ये लगा दी अपनी ब्लैक बीस्ट हमने यहाँ पार्क कर दी है, और ये है हमारा कज़न अंकित, ये रहा अंकित, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ। ये एक्चुअली अभी अभी ऑफिस से आया, ये हमारे अंकित भाई ऑफिस में, फॉर्मल्स में भी हूँ मैं, ये बैंक में है, कौन से बैंक में भाई? बैंक ऑफ इंडिया में एज ए मैनेजर हैं भाई हमारे यहाँ पे, तो हम आए इनके पास, ये हमें सारा गुजरात घुमाएंगे आगे। तो ये कौन सी जगह अंकित? ये है सर्विस अपार्टमेंट है गनादर करके, हाँ, और ये कंपनी ने पूरा खरीद रखा है पूरा। अच्छा। का पूरा, और यहीं पे मैंने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा है। अच्छा, और ये वैसे एरिया कौन सा कहलाता है गुजरात में? गिफ्ट सिटी के अंदर ही है, अहमदनगर, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। ओके, ये गांधीनगर है दोस्तों, ये मोदी जी ने पूरा डेवलप, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था अभी। अच्छा। हाँ जी, तो अभी उन्होंने 2010 में से स्टार्ट किया था, 12 साल से अभी डेवलपमेंट चल रहा है, और शायद आने वाले टाइम पे 10 साल बाद ये गुड़गांव से बेटर हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो देख लो भाई, कंपेरिजन भी भाई ने गुड़गांव से करा है, रहते हैं ना यहाँ पे हम रह रहे, तो भाई गुड़गांव तो बाकी यार देख सकते हो एक बार आप, पूरा ग्रीन बेल्ट है आसपास और काफी पीसफुल एरिया है, ये देखो पूरा ग्रीन बेल्ट है सारा, और सोसाइटी बहुत ही प्यारी है। तो दोस्तों काफ़ी थक चुके हैं यार, अब मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड, और ये मेरी सीरीज़ गुजरात सीरीज़ बहुत बढ़िया होने वाली है, तो आप प्लीज़ सारी वीडियो देखना। ओके, बाय बाय।